में उन्होंने इश्तेहार लगा के बीजेपी का और वायरल किया कि आप इसको जगीर कौर को वोटे डाले। के ननकाना साहब के लिए जो वीजा और अराइवल दिया जाए। मैं ये समझता हूं कि बीजेपी ऐसी हमाकत नहीं कर सकती कि सिखों के निजी मामलों में वो दखलंदाजी करे। वहां से इनके प्रधान चुनने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू यही देंगे। इनकी सारी बातें मन की मन में रह गई। देखिए ऐसा है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो चोन थी ये एक बहुत महत्वपूर्ण बन गई थी, क्योंकि जो संयुक्त अकाली दल के प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा और जो बागी नेता जगीर कौर थी, इन्होंने शेर आम कहना शुरू कर दिया था कि हमें बीजेपी की सपोर्ट है, और इन्होंने इश्तेहार भी निकाल के भेजे हैं जिसमें कमल का फूल लगा है। मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी ऐसी हमाकत नहीं कर सकती कि सिखों के निजी मामलों में वो दखलंदाजी करे, पर इन्होंने ऐसी बातें की और मेंबरों तक को टेलीफोन किया, सब कुछ किया, भाई जैसे हमने दिल्ली कमेटी की चोन जीती है सरकार के सहयोग से, इसी तरह हम सरकार के सहयोग से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोन जीतेंगे। तो मैं समझता हूँ इन बातों के बावजूद आज कमेटी के और दूसरे कई मेंबर गए हैं, जैसे वहाँ से इनके प्रधान चुनने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू यही देंगे। इनकी सारी बातें मन की मन में रह गई और मेरे हिसाब से तकरीबन 4 वोटों जगीर कौर ने ज़्यादा लिए हैं। वो किसने दिए हैं, कैसे दिए हैं, ये हम बाद में दरियाफ्त करेंगे। पर मैं समझता हूँ कि इन हालात में इतनी बड़ी जीत है, इससे श्रोमणी अकाली दल भी मजबूत होगा और अकाली दल की लीडरशिप भी मजबूत होगी, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आने वाले समय में सिख मर्यादा और परंपराओं की राखी करते हुए अपना काम आगे करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने जहां और कई मते पास किए हैं, एक मता यह भी पास किया है कि ननकाना साहब के लिए जो वीज़ा और अराइवल दिया जाए, आधार कार्ड के ऊपर दिया जाए, और करतारपुर का जो लांघा है उसमें पासपोर्ट की प्रथा खत्म की जाए, और $20 जो पाकिस्तान सरकार लेती है वो भी खत्म की जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसले बहुत अच्छे हुए हैं और इससे अकाली दल की जो मजबूती होगी बहुत, क्योंकि ये लड़ाई थी खाली श्रोमणी कमेटी की लड़ाई नहीं थी, ये अकाली दल के ऊपर कब्जा करने की उनकी लड़ाई थी जिसमें वो बहुत बुरी तरह विफल हुए हैं। सरकार कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है एसीपी से चुनाव को, ये तो देखो हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, पर बतौर जो ढींडसा के आदमी हैं, दो दो मण के, तीन तीन मण के, उन्होंने ये बातें जरूर कही हैं, और उन्होंने मेरे पास ये फोटो भी है जिसमें उन्होंने इश्तेहार लगा के बीजेपी का और वायरल किया है कि आप इसको जगीर कौर को वोटे डाले। ये मेरे पास है, मेरे को कई आदमियों ने भेजी है। दो मिनट से करता हूँ। बीबी जी का इस तरह मींस के पार्टी के खिलाफ जाना, एक खुद से पद मांगना, उसको कैसे देखते? देखो जी मैं ये कहना चाहता हूँ, बीबी जगीर कौर ने बयान दिया है कि जिन्होंने अपनी जमीर के हिसाब से मेरे को वोट डाली है, उन्होंने अपनी जमीर के हिसाब से वोट नहीं डाली, उन्होंने अपनी जमीर बेच के वोट डाली है बीबी को। तो बेहतर यही है कि जो जमीर बीबी ने या उनके आदमियों ने उनसे खरीदी थी या ली थी, वो अपनी उसको एक पासे रख के वापस श्रोमणी अकाली दल के शरण में आए, वापस श्रोमणी द्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के नीचे काम करें और पंथ का कोई सवार लवाएं। सर अगर दिल्ली की बात करें तो नगर निगम चुनाव नजदीक है, ऐसे में अभी जो है नॉमिनेशन की दिन भी चल रहे हैं, क्या जो श्रोमणी अकाली दल है वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगा? 250 सीटों पर तो आपने ऐलान कर दिया है,
तो क्या रूपरेखा रहने वाली है? देखो, हमने वो 250 आपने लगाई, हमने तो 25 सीटें बोली थी, और पर हमारे पास लोगों का जो है बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है कि हम आपके चोर निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ श्रोमणी कमेटी की इस बहुत बड़ी जीत के बाद हमारी टिकट की मांग और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभी हाल ही में कितनी सीटों पर जो है शिरोमणि अकाली दल जो है वो चुनाव लड़ेगा नगर निगम में? देखो जी, 16-17 तो हमारे पास कैंडिडेट आ ही चुके हैं, अब अगले 2 दिन बहुत क्रूशल हैं। जी, जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो हमारे पास आएगा, हम उसको देंगे, सीधी बात है। सिख समुदाय से ही रहेंगे कि अदर भी हो सकते हैं? हाँ जी, सिख समुदाय से ही रहेंगे कि अदर भी रहेंगे? सड़कों मुसलमान आएगा उन्हें देंगे, उस मुसलमान दे लगे, जो हिंदू आएगा उन्हें देंगे। सिख धर्म जड़ा है, इधर कोई फर्का नहीं है, भावें किसी वर्ग का आवे उधर सब न्याय बराबर है। लेकिन सरना जी, क्या बीजेपी या आम आदमी पार्टी से कोई संपर्क आप लोगों का हो पाया है? देखिए ऐसा है जी, संपर्क तो हमारे रोज ही होते हैं। मैं कहूँ संपर्क नहीं हो पाया तो झूठ बोलना की वाली बात है। अब वो संपर्क क्या नतीजा देता है ये देखने वाली बात है, संपर्क होने से काम नहीं ना होता। तो क्या दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल का किसी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है? देखिए ये तो मैं बताऊंगा 13 तारीख को, हो सकता है नहीं हो सकता है। जो हमारा मान सत्कार रखेगा है जी, ये खाली किसी की इंडिविजुअल की बात नहीं है, श्रोमणी अकाली दल सिखों की पार्टी है, जिन्होंने सिखों का मान सत्कार रखना है जो रखेंगे उनके साथ हमारा गठबंधन होगा। अच्छा, नगर निगम के चुनाव आपकी पार्टी ने जब अनाउंसमेंट किया तो त्रिकोणीय हो गया है, तो कितना प्रभाव आपकी पार्टी का इस चुनाव पर पड़ेगा? ये तो रिजल्ट ही बताएंगे जी, मैं पहले कौन सा ज्योतिषी बनूं, कितना असर होगा क्या नहीं होगा, ऐसी बातें थे उनसे पूछो जो कमेटी में बैठे हैं गप्पे आंकने के लिए। तो सर, मेंबर अपने भी होंगे पार्टी दे या अदर ही लड़ेंगे चुनाव? अपनी पार्टी दे मेंबर होंगे, जिन्हें सर्टिफिकेट मिलेगी और श्रोमणी अकाली दल दे मेंबर बन के चुनाव लड़ेंगे। सर अपनी नहीं, जी दिल्ली कमेटी, दिल्ली कमेटी, जी दिल्ली कमेटी दे मेंबर ने तोड़े नाम लेंगे, उन्हें विच भी कुछ चुनाव लड़ने इच्छुक है ने या लड़ेंगे? असी 2-4 नु लड़ान दे खास रखदे हां, हुण ए नहीं पता कोई साडी खास किन्नी पूरी हुंदी है ते किन्नी नहीं हुंदी। तो पहली लिस्ट शिरोमणि अकाली दल की कब तक आने की उम्मीद है? हमारे में तो सीधी बात है 13 का अफजल काम है, तो 13 को ही निकालेंगे पहली लिस्ट, ना 11 को, ना 12 को, ना 14 को। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।